हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के नेक्स्ट टॉपिक्स तो चलिए शुरू करते हैं दे मे बी एक्टिक मरीन एंड फ्रेश वाटर टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग एंड सम टाइम्स पैरासिटिक इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक मरीन या फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं फ्री लिविंग या कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलेटरल सिमेट्री और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और बायोलेट्रल सिमेट्री के होते हैं मतलब बीच से कट करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसको बोलते हैं बायोलेट्रल सिमेट्री दे आर ट्रिप्लो मेटामेरिकली सेगमेंटेड सीलोमेट्स एनिमल ट्रिप्लो प्लास्टिक मीन्स एम्ब्रियनिक स्टेज में इनकी जो लेयर है वो थ्री लेयर में डिवाइड होते हैं एक्टोडम एंडोडम एंड मीजोडम मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं सीलोमेट एनिमल मीन्स ट्रू कैविटी मिलती है जिसके अंदर ट्रू कैविटी मिलती है उनको सीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं बॉडी सर्फेस डिस्टिंक्टली मार्क् आउट इंटू सेगमेंट्स इनकी बॉडी सर्फेस पे सेगमेंट्स बने होते हैं मेटामर्स एंड द फाइलम एनोलिडा लेटन एनोल्स लिटल रिंग इसलिए इस फाइलम को एनोलीडा बोलते हैं एनलीडा मतलब लिटिल रिंग्स ठीक है एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर मसल्स मिलती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है हैिड्स नीरिस पजिस लिटिल अपेंडिज पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर बात एक्वेटिक एनिमल एग्जाम्पल ले रखा है नेरिस का जिसके अंदर लिटिल अपेंडिजेस मिलते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं और ये स्विमिंग में और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट और इनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का मिलता है नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंगलिया कनेक्टेड बाय लिटल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रॉपर नर्वस सिस्टम तो नहीं होता लेकिन पेयर गैंगलिया देखने को मिलते हैं जो कि नर्व कॉर्ड से लिटरली कनेक्ट रहते हैं ठीक है नेरिस एंड एक्वेटिक नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायशियस नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायशियस नेरिस और अदर एक्वेटिक फॉर्म में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं वो डायविशियस होते हैं बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस बट अर्थवॉम और लीच जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एग्जाम्पल जी रखे नेरिस फेरेटिमा मतलब अर्थवॉर्म हिरुडेनेरिया ब्लड शकिंग लीच जिससे जोंक भी बोलते हैं जोंक ब्लड शेचर फाइलम आर्थरोपोडा दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड द इंसेक्ट ये जो फाइलम आर्थरोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का ओवर टू थर्ड्स ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। अर्थ पे मिलने वाली टू थर्ड स्पीसीज जो है वो सब ऑर्थ्रोपोड फाइलम से होती हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर बायोलिट्रली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लो सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है बायोलिट्रिकली बायोलिट्रली सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिप्लो सेगमेंटेड होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं द बॉडी ऑफ आर्थोपोड इज कवर्ड बाय द काइटीनियस एग्जोस्कैलेटन फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनका एग्जोस्केलेटन जो होता है वो काइटन का बना होता है द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थॉरैक्स एंड इनकी बॉडी हेड थोरिक्स एंड एबडोमन में डिवाइड होती है दे हैव जॉइंट अपेंडेजस आर्थरो जॉइंट पोडा अपेंडिजिजस इनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस मिलते हैं ऑर्थरोपोडा का मतलब है ऑर्थोज मतलब जॉइंट एंड पोडा मतलब अपेंडेज रेस्पिरेटरी ऑर्गेन आर गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और ट्रैकिअल सिस्टम रेस्पिरेशन जो होता है या तो गिल्स के थ्रू बुक गिल्स रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स बुक गिल्स या बुक लंग्स और ट्रैकिअल सिस्टम के थ्रू हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है फाइलम एनरिडा का क्लोज टाइप का था सेंसरी ऑर्गेन लाइक एंटीनी सेंसरी ऑर्गेन लाइक एंटीनी आई इस कंपाउंड एंड सिंपल इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें एंटीना कहते हैं और आई उनकी कंपाउंड या सिंपल फॉर्म में होती हैं स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गेन प्रेजेंट इनके अंदर स्टेटोसिस्ट मिलता है जो कि बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपीजन ट्यूबुल्स एक्सक्रीशन जो होता है वो मेलपीजन ट्यूबल्स के थ्रू होता है दे आर मोस्टली डायशियस फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायशियस होते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होते हैं दे आर मोस्टली ओवीपेरस ये ज्यादातर ओवी पेरस होते हैं मतलब अंडे देने वाले होते हैं डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट भी होती है और कभी कभी एब्सेंट भी होती है एग्जांपल जो दे रखे हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लाइक एपीज हनी बी बॉम्बिक्स सिल्कव लेसिफर मतलब लैक इंसेक्ट वैक्टर्स की फॉर्म में भी मिलते हैं कुछ आ, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनोफिलेस क्यूलेक्स एंड एडीज ये मॉस्किटोज हैं सारी ग्रिगेडियस भी होते हैं जैसे लोकस्ट लिविंग फॉसिल जो है वो लिबुलस लिविंग फॉसिल जो है लिविंग लिमुलस किंग क्रैप फाइलम मॉलस्का दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ये जो है वो फाइलम uh, मॉलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का मॉलस्का आर टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक मोलस्का या तो टेरेस्टियल होते हैं या फिर aquatic, और वाटर दोनों में मिलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन और organ level को देखने को मिलता है ये जो एनिमल्स होते हैं वो बायोलेट्री सिमेट्रिकल ट्रिप्लो और सिलोमेट्स होते हैं बॉडी इज कवर्ड द दैल्केरियस शेल बॉडी जो होती है वो कैल्शियम से बनी हुई शेल से कवर्ड रहती है एंड अनसेगमेंटेड याद रखिएगा यहाँ पर अनसेगमेंटेड है हमने अब तक एनालिडा एंड पढ़ा सेगमेंटेड अ डिस्टिंग हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल विदिस्टिंग इनकी बॉडी हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में डिवाइडेड होती है ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की जो कि विसरल हम्प के ऊपर होती है द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी और हम्प एंड मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट जहां पर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन और इनका जो काम है उन फेदर गिल्स का वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं एंटीरियर द इंटीरियर हैजेंसिव टेंटेकल्स एंटीरियर पे एंटीरियर uh, हैल्स मिलते हैं कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल रेडुलर माउथ के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन मिलता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है जिसे रेडुलर बोलते हैं मीन मेल एंड फीमेल बॉडी जो होती है वो सेपरेट होती है ओवीपेड मतलब एग देने वाले डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है एग्जाम्पल एप्पल स्नेल पेनाक्टेडा पर्ल ऑइस्टर सीपिया कटल फिश लॉलीगो स्क्विड ऑक्टोपस को डेवल एफेलसिया एफेलसिया को सी हेयर डेंटेलियम को शेल एंड फाइलम इकानोडर्मेटा दीज एनिमल हैलकेरियस ऑसिकल्स एंड द नेम इकानोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस होता है मतलब कैल्शियम से बना होता है इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी बॉडी बॉडीडर्मेटा मतलब स्पाइनी बॉडी ठीक है ऑल आर मरीन विद ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द अडल्टाइनोडर्म आर रेडियल सिमेट्रिकल इकाइनोडर्म होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है बट द लार्वल बट द लार्वल आर बंडारायोलेट्रल सिमेट्रिकल बट लारुल स्टेज में ये बायोलिट्रली सिमेट्रिकल होते हैं दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल ये ट्रिपलो और सीलोमेट एनिमल मतलब ट्रू कैविटी मिलती है और थ्री जर्माइनल लेयर के बने होते हैं तो सिस्टम इज कम्प्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड द एनस ऑन द अपर साइड डायजेस्टिव सिस्टम जो है वो कम्प्लीट होता है माउथ लोअर साइड में मिलता है और एनस अपर साइड में मिलता है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकानो आर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडरमेटा का एक सबसे अलग फीचर जो है इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रजेंट होता है जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में कैप्चर में मतलब कैप्रेक के कैप्चर में एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड एंड रेस्परेशन में ठीक है एंड एक्सक्रिटरी सिस्टम इज एब्सेंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रिटरी सिस्टम प्रेजेंट है एबसेंट है या किसकी हेल्प से होता है तो इनमें एक्सक्रिटरी सिस्टम जो होता है वो एबसेंट होता है सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस सेपरेट होते हैं रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वल लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और उनके जो लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरिस स्टारफिश इकाइनस सी अर्जन ठीक है कोकुमेरिया सी कोकम्बर ऑफ्यूरा मतलब ब्रिटिल स्टार फाइलम हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा जो है वो पहले सब फाइलम था किंगडम कॉर्डेटा का बट नाउ इट इज प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा बट अब इसका सेपरेट फाइलम है जो कि नॉन कॉर्डेटा है अब ये कॉर्डेट्स के अंदर नहीं है अब इनका सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा दिस फाइलम कंसिस्ट ऑम स्मॉल ग्रुप ऑफ वम लाइक मरीन एनिमल इस इस फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं वो वर्म लाइक -like होते हैं और मरीन होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ को मिलता है दे आर सिमेट्रिकल और एनिमल्स जो होते हैं वो बायोलिट्रली सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिप्लो होते हैं सीलोमेट्स होते हैं द बॉडी इज सिलड्रिकल एंड कंपोस्ट ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस अ कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक इनकी जो बॉडी होती है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में एंड ट्रंक में सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है में रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स जो है वो गिल्स के थ्रू होता है एक्सक्रीटिव ऑर्गेन इज प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रिटिव ऑर्गेन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है सेक्सेज आर सेपरेट मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट

Caudates जो होते हैं वो सिमेट्रिकल पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, tail, tail है. Anult, दर, और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार एंड इंपॉर्टेंट दोनों ही बना रखा है यहाँ पे यहाँ पे कंपेरिजन दे रखा है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स इसको भी देख लेते हैं कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड एबसेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉटसल हॉलो एंड सिंगल नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल मिलता है कॉर्डेट्स के अंदर फेयरिंग्स परफॉर्म बाय द गिल्सलिट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिल्स्लिट्स जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं हार्ट इज वेंट्रल हार्ट इज डॉट्सल ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट पोस्ट एनल पार्ट जो होता है वो एबसेंट होता है फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइल यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा सिफेलोकॉर एंड वर्टिब्रेटा फाइलम कॉर्डेटा जो है वो थ्री सब फाइलम में डिवाइडेड है यूरोकॉरडेटा या ट्यूनिकेटा सिफेलोकॉर और वर्टिबरेटा अब बात कर लेते हैं यूरोकॉडेटा में है। सब फाइला जो यूरोडेटा है एंड सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइला यूरोडेटा एंड सिफेलोकॉडेटा आर ऑफन रिफर टू एस प्रोटोकॉर्डेट फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं एंहेंस एंहेंस, एंड हेंस आर कॉल एंड हेंस एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन और ये जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन होते हैं इन यूरोडेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल यूरोडेटा में जो नोटोकॉड होती है वो लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होती है वाइल इन दिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ बट सिफेलो के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल और थ्रू आउट द लाइफ टाइम मिलती है यूरोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल है एसीडिया सल्पा डोलियोलम सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल है

दिस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट सारे वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है मतलब नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम से बट जो कॉर्डेट्स uh, होते हैं उनको वर्टिब्रेट नहीं कह सकते क्यों क्योंकि उनके सबके अंदर वर्टिब्रा नहीं पाई जाती है जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर ही वर्टिब्रा पाई जाती है इस बिसाइड द बेसिक कार्डेट करेक्टर वर्टिब्रा है वेंटल नमस्कुलर वर्टिब्रेट के अंदर वेंट्रल नार्ट प्रेजेंट होता है किडनी फॉर एक्सक्रेशन एंड ऑसमोरेगुलेशन किडनी जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है एंड पेयर अपेंडिजेस विद मे बी फिन और लिम और जो इनके अंदर फेयर अपेंडिजेस मिलते हैं जो की फिन या लिम्स हो सकते हैं द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिडेड एज फॉलोज वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा को टू डिविजन्स में डिवाइड किया गया है एगेनाथा एंड लेग जॉ मतलब जॉज नहीं होते हैं, होते हैं. में जॉज जो, जो, जो होते हैं, होते हैं हैं वो प्रेजेंट ठीक ए गेनेथा की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा गेनेथोस्टोमेटा को टू तो क्लासेस में डिवाइड किया गया है पाइसिस एंड टेट्रापोडा पाइसिस मतलब जिसमें फिन्स प्रेजेंट होती है टेट्रापोडा मतलब बेयर लिम्स मतलब लिम्स प्रेजेंट होते हैं पाइसिस को uh, को भी टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है कॉन्ड्रोकाइड्स एंड ऑस्टियोकाइड में टेट्रापोडा को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है एम्फीबिया रेप्टेलिया एंड ए आर ए एम मैंने ऐसे याद किया था ए आर ए एम आराम साइक्लोस्टोमेटा ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपेरासाइड्स ऑन सम फिशेज इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्टोपेरासाइड्स होते हैं ठीक है दे दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बेरिंग पेयर ऑफ गिल्सलेट्स फॉर रेस्परेशन अंदर सिक्स टू फिफ्टीन पेयर गिल्सलेट्स मिलती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है साइक्लोस्टोम्स हैव द सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज साइक्लोस्टोम्स का जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और इनमें जॉज जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं द क्रेनियम एंड द करेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टेलेजिनस इनका जो क्रेनियम एंड वर्टिबल जो वर्टिब्रा है और जो बोनी कैविटी होती है क्रेनियम वो कार्टिलेज की बनी होती है सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मरीन होते हैं ठीक है लेकिन ये जब अंडे देने एग लेने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई स्वेपनिंग के बाद ये कुछ ही दिनों में मर जाते हैं दे लार्वी आर देर लार्वी आफ्टर मेटामोस रिटर्न टू द ओशन और उनके जो लार्वा होते हैं वो मेटामोफोसिस मतलब एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये ओशन में आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजिन लैम्परे एंड माइगजीन हैक फिश जिसे कहते हैं क्लास कॉन्ड्रियोकाइट्स क्लास कॉन्ड्रियोकाइट्स ये गेनाथोस्ट्रोमेटा की क्लास वन है दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एग्जोस्कैल्टन इस इस क्लास के जो एनिमल होते हैं वो मरीन होते हैं और इनकी जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकली नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड पर सिचुएटेड होता है नोटोकॉड जो होती है वो थ्रू आउट नोटोकॉड जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है गिल्स लेट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम गिल्स इनके अंदर जो गिल्स होती है वो विदाउट ऑपरकुलम होती है द स्किन इज द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल स्किन होती है वो टफ होती है और माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं टीथ आर मोडिफाइड प्लेकॉइड डायरेक्टेड। इनके जो टीथ होते हैं वो स्केल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं जो कि बैकवर्डली बैकवर्ड जो की बैकवर्ड backward, uh, backward से बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं दियर जॉज आर वेरी पावरफुल इनके जो जॉज होते हैं जबड़े होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं दीज एनिमल्स आर प्रोडेशियस

कुछ कुछ मेंबर्स जो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं एग्जाम्पल टोर्पीडो है एंड सम पर्जिस पॉइजन स्टिंग ट्राइगन दे आर द कोल्ड ब्लडेड ये जो एनिमल्स होते हैं इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं ठीक है दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं सेक्सेस आर सेपरेट इनके जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं इन मेल पेल्विक फिन बेयर क्लेस्पर्स इसके अंदर जो पेल्विक फिन है उस पर क्लैस्पर्स लगे होते हैं दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड मे मैनी ऑफ देम आर विवी पेरस और ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो विवी पेरस होते हैं मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल्स स्कॉलियोडॉन डॉग फिश प्रिस्टिस सॉफिश करकेरोडॉन ग्रेट वाइट शब ट्राइगन स्टिंग्रे क्लास ऑस्टियोगाइट्स इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी एंडोस्केलेटन इस क्लास के जो मेम्बर्स होते हैं वो मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं और उनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है देअर बॉडी इज स्ट्रीमलाइट माउथ इज मोस्टली टर्मिनल इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट होता है दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम इनके अंदर फोर पेयर्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड टीनोइड स्केल्स स्किन जो होती है वो साइक्लॉइड या टीनोइड स्केल से कवर्ड रहती है इससे पहले हमने कॉन्ड्रियोकाइड्स पढ़ा वहाँ पर स्किन जो है वो प्लेकॉइड स्केल से कवर्ड रहती है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विथ रेगुलेट बियसी एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जिस जो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि बेउनसी को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से ये सिंक नहीं होते हैं डूबते नहीं है हार्ट इज टू चैम्बर्ड वन ऑर्गिलन वन वेंट्रिकल हार्ट टू चैम्बर का होता है एक ऑर्गिलन एक वेंट्रिकल दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं सेक्सेज आर सेपरेट मीन्स मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है मोस्टली ओवीपेरस ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मतलब कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती एग्जाम्पल्स मरीन yes. में मिलने वाली फिशे एक्जोसीटस exoc जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं हिपो कैंपस सी हॉर्स फ्रेश वाटर में मिलने वाली फिशेज जो है लेबियो रोहू कटला क्लैरियस मंगूर एक्वेरियम फिशेस जिसे हम कहते हैं बेटा जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं टेरोफिलम एंजल फिश हम कहते हैं क्लास एम्फीबिया, एज द नेम ऑफ इंडिकेट्स एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी मतलब डुएल बियोज मतलब लाइफ एम्फीबियन कैन लिव इन इक्वेटिक एज वेल एज ट्रेडिस्टियल हैबिटेट्स एम्फीबियंस जो होते हैं वो एक्वेटिक एंड लैंड दोनों पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं उनमें दो पेयर लिम्स होते हैं बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक बॉडी जो होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है तेल में भी प्रेजेंट इन समेल जो है वो कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होती है द एम्फीवियन स्किन इज मॉइस्ड विदाउट स्किल इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है द आईज है आईलेट्स होती है द टिपेन रिप्रेजेंट दर ईयर तो परफेक्ट ईयर तो नहीं प्रेजेंट होते लेकिन टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्री केनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर एलिमेंट्री कनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक तीनों की जो ओपनिंग होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है एक ही ट्रैक से ओपन होते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं क्लोका विच ओपन टू एक्सटीरियर रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू लंग्स के थ्रू एंड स्किन के थ्रू भी हो सकता है द हर्ट इज थ्री चैम्बर हर्ट थ्री चैम्बर्ड का होता है टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं सेक्सेज आर सेपरेट मेल एंड फीमेल सेपरेट होती है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट ये जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं एग लिइंग होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है मीन्स लारवल स्टेज प्रेजेंट होती है एग्जाम्पल है ब्यूफो ट्योड फ्रॉक कहते है, ट्री सालमेंडर, सालमेंडर, इक्तियोफिस, अब बात कर लेते हैं क्लास रेप की क्लास टू देर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लुक को मोशन इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो क्रीपिंग या क्रॉलिंग करते हैं दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो टेरेस्टियल होते हैं देयर बॉडी इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन इनकी जो इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है एपिडर्मस एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर टिम्पेनम जो होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है वेन प्रेजेंट अगर लिम्प प्रेजेंट है आर टू पेयर्स टू पेयर्स में मिलते हैं हार्ट इज यूजली थ्री चैम्बर बट फोर चैम्बर इज क्रोकोराल बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल जनरली जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है मतलब तो टू ऑर्कल्स एंड वन वेंटिकल बट क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने रेप्टाइल्स एंड पॉइक्लोथम्स ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को एन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं स्नेक्स एंड लिजार्ट शेड देयर स्केल्स एट स्किन कास्ट स्नेक एंड लिजार्ट अपना स्किन कास्ट करते हैं जब इनकी बॉडी का साइज बढ़ता है तो ये क्या करते हैं अपनी पुरानी जो स्किन होती है उसको छोड़ देते हैं जिसे केचली छोड़ना भी कहते हैं ठीक है सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है दे आर ओविपेरस एगलिंग होते हैं एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मतलब कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके एग्जाम्पल है चिलोन टर्टल ट्यूडोटॉइस कैमिलोन ट्री कैलोड्स गार्डन ले

इस क्लास के मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और इसको छोड़ के सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ सकते हैं दे पजेज बीक इनके अंदर चोच होती है द फोर लिम्स आर मोडिफाइड इंटू विंग्स फोर लिम्स जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं द हाइंड हाइडल जनरली हैव स्केल्स हाइंड हैंडलिम पर जनरली स्केल्स होते हैं एंड मोडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस ये जो हाइंड हाइडलम्ब्स होते हैं वो वॉक करने के लिए स्विमिंग के लिए क्लास्पिंग करने के लिए ट्री ब्रांचेस ट्री ब्रांचेस की क्लास्पिंग के लिए हेल्प करते हैं स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड स्किन जो होती है वो ड्राई होती है इनके अंदर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल इनकी टेल पर ऑयल इनकी टेल पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंडोस्केलेटन इज फुल्ली फुल्लीसिफाइड एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना होता है एंड लॉन्ग बोन आर हॉलो विद एयर कैविटीज और लंबी बोन होती है वो हॉलो होती है इनके अंदर एयर कैविटी होती है द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैव एडिशनल चैम्बर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं द क्रॉप एंड गिजार्ड हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड का होता है दे आर वार्म ब्लडेड ये वॉर्म ब्लडेड होते हैं होमियोथर्मस जैसे बोलते हैं दैट इज दे आर एबल टू मेनटेन ए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन कर सकते हैं रेस्परेशन इज बाय लंग्स रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है एयर सैक इज कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन एयर सैक जो होता है वो लंग्स से कनेक्टेड होता है और रेस्पिशन में हेल्प करता है आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट ओवीपेरस होते हैं और लार्वल स्टेज एबसेंट होती है एग्जाम्पल है क्रोवस्क्रो कोलम्बा पिजन सिटिकुला पैरट स्रूथियो ऑस्ट्रिच पावो पिकॉक एप्टिनो डाइट्स पेंग्विन न्यूफ्रॉन वल्चर न्यूफ्रॉन वल्चर क्लास मैमिलिया दे आर फाउंड अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स पोलर आइसकेब्स डेजर्ट माउंटेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स इस इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो पोलर आइसकेब्स में डेजर्ट में माउंटेन्स में फॉरेस्ट में या ग्रीन ग्रास या फिर डार्क गुफाओं में भी मिल सकते हैं सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई कुछ जो होते हैं वो उड़ सकते हैं और लिव इन वाटर और पानी के अंदर भी रह सकते हैं द मोस्ट यूनिक मेमिलियन करेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इस क्लास के जो मेम्बर्स होते हैं उनके अंदर मेमरिक ग्रेंड प्रेजेंट होती है यंग वंस आर नरिस्ड जिसकी हेल्थ से ही यंग वंस को नरिस्ड करते हैं दे हैव टू पेयर्स लिम्स अडेप्टिंग फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग बरोइंग स्विमिंग और फ्लाइंग इनके अंदर दो पेयर लिम्ब्स मिलते हैं जो कि वॉकिंग में रनिंग में क्लाइंबिंग या बरोइंग स्विमिंग और फ्लाइंग में हेल्प करते हैं द स्किन ऑफ मैमल इज़ यूनिक इन परजेसिंग हेयर्स इस क्लास के जो मेम्बर्स हैं उनके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये इनका यूनिक फीचर है एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने आर प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ जो इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होती हैं एक ही जॉ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं हार्ट इज फोर चैम्बर्ड फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है दे आर होम्योथर्मस ये होम्योथर्मस होते हैं मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है सेक्सेज आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है दे आर विवीपेरस विद सम एक्सेप्शन ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो विवी पेरस होते हैं इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मतलब लार्वल स्ट्रीप जो है वो एबसेंट होती है एग्जाम्पल ओवी पेरस के एग्जाम्पल है ऑर्निथोकाइट ऑर्निथोकाइट प्लेटिपस वीवीपेरस के एग्जाम्पल है मैक्रोपस कंगारू टैरोपस फ्लाइंग फॉक्स कैमिलस कैमल मकाका मंकी रेडस रेड कैनिस डॉग फेल स्केट एल्फस एलिफेंट इक्व हॉर्न्स डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन बिलानोबेरा ब्लू whale, बिलानोबेरा ब्लू वेल Panthera टिग्रेस टाइगर पैंथरा लियो लाइन इस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है थैंक यू